अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। और आज की जो सी रेसिपी है वो है हमारी चिकन टिक्का बोटी पीस। हाँ, टिक्का मतलब चिकन टिक्का पीस। हाँ जी, हाँ ठीक है। और इसकी रेसिपी क्या है ये चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं। जी मम्मा। अच्छा जी, ये मैंने ना एक चम्मच ना दादरी मिर्च का अस्सलाम वालेकुम क्या भूल जाते हैं हम लोग, क्या करें माँ बेटियाँ दोनों लगी रहती हैं। अच्छा जी, आपके साथ अपने बहन भाइयों के साथ। अच्छा जी, मैं ना सलाम लेती हूँ। सलाम अलैकुम, क्या चाल है, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों का। मैं भूल गई थी, अब मैं फिर शुरू करती हूँ। अच्छा, लोगों ने कह रहा ये पागल हो गए। अच्छा जी, ये ना मैंने दादरी मिर्च डाली है एक चम्मच, आधा चम्मच मैंने ना पिसी हुई मिर्च भी डाली है, ठीक है, और जायका अच्छा बन जाए ज़रा का। आधा चम्मच मैंने जीरे का डाला है, नमक डाला मैंने एक चम्मच। अच्छा जी, ये एक पिसा हुआ साबुत नहीं, सॉरी मम्मा जहाँ में शैतानी आई हुई है। आप पिसा हुआ ना, आप खुद बता दो, आपको भी नाम नहीं आते, आपको तो बिल्कुल पकाना नहीं आता। बेइज्जती जी नहीं होगी कोई, थोड़ी जी ज़्यादा नहीं होगी तेरी बेइज्जती। तो ये ना मैं पा दिता हुआ सुखा धनिया थोड़ी जी हल्दी भी पिछवा दिती मैं जरा रंग आयुगा। ठीक है, तू हूं मेरी रीस ना पंजाबी ना बोली जा। आहो। अच्छा हूं मैं ना तीन चमचे ना दही दे पाने हैं। आहो। पर गए। हाँ जी। अच्छा चलो जी, हूँ हो गया काम, सीरियस हो गया। हाँ, अच्छा जी, हम ये ना आप मिक्स कर लेते हैं, मजाक मजाक हो गया। ये देखे मैंने पहले टक भी लगा दिए थे, मसाला ना चला जाएगा सारा, तो ये मजे मजे के बन जाएंगे करारे करारे से। हाँ, टेस्टी टेस्टी से बच्चे जरा शौक से खा लेंगे। जरा मेरी तो तारीफ किसी ने करनी ना हुई। मम्मा मैं करती हूँ। हाँ, इसके पापा ने तो बिल्कुल नहीं करनी हुई। बस ठीक है, ठीक है, ठीक ही है, उन्होंने यही गाल ही कहनी होंगी। हाँ, वो कहते हैं ऐसे फिर। हाँ। समझ गए ना अभी। हाँ जी, ठीक ही है बस आज। हाँ हाँ, जिस दिन नमक घट हो जाए मिर्च घट हो जाए, अज उबल गई हांडी, हालांकि रात भी उन्होंने ब्लड प्रेशर सीगा ते नमक मैं घट पाया हांडी च, ते अज कहिंदी नमक घट्टो घट पाया, मैं कहा ब्लड प्रेशर नहीं आया। सारी बोटियों पर मैंने लगाया, ये नहीं मैंने कंजूसी नहीं की। मतलब इसके ऊपर कुछ हम कोटिंग वगैरह करेंगे लाइक, मतलब कोई। हाँ जी, वो आपको पता तो है, वो लगाना वो कौन सा लाभ वो व्यूअर्स के लिए, मतलब कहना कि इसको मतलब बैक करके बस फ्राई भी करना है हम लोगों ने। हाँ जी, ये दो तीन घंटे लगा देते हैं, इंशाल्लाह शाम को फ्राई कर लेना हमने। ठीक है, चले ठीक है व्यूअर्स, तो फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छा जी, आ गया, मैं आपको एक खुशी की भी खबर दे देती हूँ, मेरी बेटी की सालगिरह। हम इसलिए भी खुश हैं आज। आज मेरी बेटी आई थी दुनिया में, आपको मम्मा भाया। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, ये तकरीबन 12-1 बजे आ गई थी। दिन के रात के नहीं, दिन के टाइम आई थी, पर मुझे नहीं पता सही टाइम, नहीं मुझे पापा से पूछना था ना आपने, वो कह रहे मुझे पता नहीं, इसकी नानों को पता था टाइम का, उन्हें पता था, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो होश में नहीं थी। अच्छा चले, बाकी भी आपको बताएंगे फिर, अभी इतना सीक्रेट भी रखते हैं। हाँ, बस अल्लाह का शुक्र है, करेंगे बातें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, आज मेरी बेटी की है, अल्लाह ताला से दुआ यही करती हूँ, अल्लाह ताला इसका नसीब अच्छा करे, अल्लाह ताला ने एक के मत्थे लगाए, अच्छे घर चली जाइए,
अल्लाह ताला इसकी शादी कर दे, देखो कितने बच्चों को शौक है शादी का, कहते आमीन के साथ ही कहते आमीन। नहीं हाँ जी मेरे मतलब वो वैसे मतलब देखा शर्म आ गई, मैं रेड हो गई हूँ। अच्छा शर्म आ गई बच्ची का, बस 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 हमें और नहीं सुन सकती, इतनी बहुत है मेरे लिए। आप शादी की बात पे देखा कितना खुश हुई है ये, मुझे शर्म आ गई है। शर्म नहीं आती बच्चों को। अच्छा तो चले फिर व्यूअर्स आप लोगों को दोबारा दिखाते हैं, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे वीडियो को पूरा देखना, और मम्मा ने मुझे आज ऐसी बात से पूरा देने लगानी है, वो भी सुननी है आप लोगों को। मैंने मसाले से लगाते रहना सारा दिन, क्योंकि ये आज हमारी जिंदगी में आई थी ना, अल्लाह ने आज हमें इतनी प्यारी सी गुड़िया सी दी थी, बहुत प्यारी थी माशाल्लाह, जैसे जापानी से बच्चे नहीं होते वैसी थी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत थी। और डॉक्टर देख के भी ना तारीफ करने लगे, इसका मामू है उसे सदका दिया, कहता है ऐसा तो मैंने कभी बच्चा नहीं देखा, उसकी बेटी काली कलूटी थी। जब उसकी बेटी हुई थी ना तो उसकी बेटी वैसे काली थी, तो उसने कभी इतना प्यारा बच्चा नहीं देखा था, कहता पहली दफा मैंने जिंदगी में इतना खूबसूरत बच्चा देखा, तब उसने तारीफ की थी। माशाल्लाह मेरे मम्मा पापा भी प्यारे हैं, तो मैं भी प्यारी हूँ, और वाइट भी हूँ, मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं माशाल्लाह हमारे ना सारे बच्चे प्यारे हैं, मगर मेरे ही प्यारे हैं, बाकी बहन भाइयों के बस गुजारे ही हैं। अल्लाह ही अल्लाह। अच्छा चले ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी बात नहीं बताते, बच्चे सारे प्यारे होते हैं, बच्चे मन के सच्चे बच्चे सारे। ओके ओके ठीक है, सारा मसाला रच गया, चार पीस करवाए थे मैंने, अब इसको हम फ्राई करते हैं। हाँ जी आपके सामने, तो मैगिनेशन हम लोगों ने आप लोगों को पहले दिखा दी थी कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं। ये इसमें ना मैंने थोड़ा सा ना सफ़ेद मिर्ची डाली है, हैं जी, और कॉर्नफ्लावर, मैदा और चावल का आटा पिसा हुआ, ठीक है, नमक। हाँ जी बेटा, वो केक काट लिया, आप खाने का करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हाँ जी, वैसे तो मतलब हमारे तो बहुत तानी आई हुई थी ना, क्योंकि आप खुश हो, हम लोग खुश हैं, सालगिरह इसलिए जाहिर है बेटा, अल्लाह ताला जब औलाद देता है तो माँ बाप खुश ही होते हैं, अपने सारे रिश्तेदार खुश होते हैं, औलाद जैसी नेमत अल्लाह ताला सबको दे। अच्छा जी, ये मैंने पानी में आप भी काम सीख लो बेटा। हाँ जी, अब मैंने ना आपसे कुकिंग करवाया करनी है। ओ ठीक है ना, ठीक है, इस बहाने आपको भी आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक हो। आप उधर आ जाओ, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद अब गरम तेल में जो सा फ्राई करने के लिए डाल दिया, तो बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से जो सा हमारा चिकन फ्राई वो तैयार हो जाएगा। तो पहले हमने इसको वैसे कोटिंग की, उसके बाद हम लोगों ने पानी में डिप किया, और अब फिर से दोबारा इसकी कोटिंग करने के बाद इसको हम लोगों ने फ्राई किया है, डीप फ्राई हम लोगों ने करना है इसको, और फिर जो सा चिकन वो तैयार हो जाएगा। आपने जो सा फ्लेम को है वो दरमियाना रखना है, दरमियानी आँच पर आप लोगों ने इसको फ्राई करना है, फिर चिकन जो सा है वो कच्चा है, और फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। तो आप लोगों ने कहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है, और हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप जो सा ये आज हम मज़ेदार सा चिकन फ्राई की रेसिपी आपके साथ शेयर करें वो कैसे तैयार होगी। हाँ जी, ये देखिए काफ़ी मतलब हमारा हो गया, क्रिस्पी हो गया, कोटिंग भी सही है, इसको निकाल लें। हाँ जी, फिर एक दफ़ा फिर मतलब तो फ्राई करना, फ्राई करना है। हाँ जी ठीक, हमने ना बिस तो माशाल्लाह गर्म है ना, ये बिस्मिल्लाह
बिस्मिल्लाह, ये हमारे पीस बड़े हैं ना ज़रा। हाँ जी, ये डाल दिए। चले तो इसको करते हैं फ्राई, फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो भी मतलब ये भी जैसे चिकन है फ्राई हो गया माशाल्लाह। कलर आप देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन आया है, गोल्डन गोल्डन से जो कलर तैयार हो गया है। क्योंकि ये आपका काम है ना, बहुत मुश्किल काम होता है कि छिपे ना पड़ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अब जो सा चिकन हो गया है वो फ्राई, और इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें मतलब तैयार की हैं, और कुछ ऑर्डर भी हम लोगों ने किया बाहर से, लेकिन आज हम लोग मतलब बाहर नहीं गए खाना खाने के लिए, हम लोगों ने घर में ही तैयारी की है, घर में ही चीज़ें मंगवाई हैं। तो अब ये एक फाइनल लुक आप लोग देख लें, माशाल्लाह कितना प्यारा कितना ज़बरदस्त सही जो सा चिकन है तैयार हो गया, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसे, और खुशबू का तो क्या ही कहना। तो अब बाकी सारी तैयारियाँ भी कर लेते हैं, टाइम कम और मुकाबला सख्त है, और फिर आपको जो सी बाकी हमारी बर्थडे का पार्ट टू है जो हम लोगों ने डिनर की वीडियो आप लोगों से शेयर करनी है, वो वहाँ पर फिर आप लोगों को हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और आप लोग को दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सा दस्तरखान है वो सज गया है, और यहाँ पर हम लोग दस्तरखान लगा लिए, टिक्का बोटी है, फ्राइज़ है, चिकन है, दही की चटनी है, और वो प्याज हैं सिरके वाले। तो अब हम लोग क्योंकि अपनी वीडियो का पार्ट टू आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और खाना यहाँ पर लग गया, और माशाल्लाह आप हर चीज़ देख सकते हैं, चिकन भी है, मसाले वाला चिकन भी तैयार किया हुआ है। और ये देखें जी ओवरव्यू इसका दोबारा, ये देखें माशाल्लाह कितना क्रिस्पी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का जो सा चिकन है वो तैयार हो गया है। ये फ्राइज हैं, हरी चटनी है, और ये सालन और ये टिक्का पोटी कि बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार सी जो सी चीज़ें वो तैयार हो गई हैं। तो अब मम्मा खाना शुरू करते हैं हम लोग जी। ठीक है, आप ये डालें और ये देखें माशाल्लाह कैसे आवाज़ आ रही है इसकी, ये कितना क्रिस्पी है ये, बिल्कुल कोटिंग इसकी नहीं उतरी ऊपर से, कैसी आवाज़ आ रही है। हाँ, बाकी सेलिब्रेशन जो सी हम लोगों ने वो कर लिया, आपके साथ वीडियो हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो अब मतलब करते हैं इसको सर्व। हाँ जी, अब हम सब खाते हैं खाना, खाना शुरू करते हैं अपना। ठीक है, चले आए कहें, मैं टेस्ट करूँ इसको। हाँ जी आप करें। अच्छा, मैं इसको ना टेस्ट करती हूँ कैमरे में से एक दो। अच्छा, दही दूँ? नहीं, पहले मैं ऐसे ही टेस्ट करूँगी इसका जायका। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, और मसाले वगैरह हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये ले आप लोग, जिसे खानी है वो खा ले। अच्छा, इसलिए कि इसकी सालगिरह का। हाँ, मेरे सालगिरह का खाना मेरी तरह से हमारे सब YouTube फैमिली के लिए। तो मम्मा आप भी कुछ खाएं, आप भी कुछ मतलब टेस्ट करके बताएं। चिप्स ले लिया, तो फिर अब मतलब ले लें अपने व्यूअर्स से इजाज़त, हम लोग बाकी भी खाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है व्यूअर्स, मैं कहते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी वीडियो है पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और हमें अपनी ढेरों दुआओं में याद रखिएगा, हम आप लोगों को भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।